राजू को बहुत चोट लगी है, मैं अभी इसे घर लेकर जाता हूँ। पर भीम, फिर मैच का क्या होगा? इस वक्त मैच से ज्यादा राजू को मेरी जरूरत है, और मुझे पता है कालिया, तुम सब संभाल लोगे। मैं अभी आया। आज से भीम का खेल खत्म। शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। कभी नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कबड्डी में सबको चोट पहुँचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा, वर्मा, वर्मा। देखो भीम आ गया। कितना नुकसान किया इसने हमारा। सही कहा तुमने। निकल जाओ, निकल जाओ। चुटकी, चक्कू। पर मैंने किया क्या है? अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं? तो सुनो। लेकिन मैं तो अभी तक राजू की मदद कर रहा था, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। मुझे लगता है कोई हमशक्ल मेरी जगह ये सब कर रहा है। पर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो चल के उस डुप्लीकेट को ढूंढते हैं और राजू को भी साथ में ले लेंगे। इंद्र वर्मा, अब इस सिंहासन से उतरो और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर में। तो अब गए इंद्र वर्मा। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम? देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है?
अच्छा करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। सही वक्त पे लड्डू देने के लिए शुक्रिया चुटकी। ओहो, कब तक यूं ही दूसरों को क्रेडिट देते रहोगे भीम? शुक्रिया के असली हकदार तो तुम ही हो। अरे वाह, एक केला।
मजाक का वक्त नहीं है जग्गू, सच सच बताओ कि मेरे जूते कहाँ है। कालिया, शायद जूते पानी के साथ बह गए होंगे। मेरे मामा ने मुझे प्यार से दिए थे। शांत हो जाओ उस्ताद, अगले जन्मदिन पर हम नए ले लेंगे। मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी जुग-जुग, लेकिन वो तुम पर हमला क्यों कर रहे थे? उनसे हमारी पुश्तैनी दुश्मनी है, इसीलिए उनसे डर के हमारी पूरी कॉलोनी उनसे भागते रहती है। उन्हें गुमराह करने के लिए हम सब लोग रोज घर बदलते हैं। तुम लोग उनसे मिलोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल जुग-जुग। Yeah.
ताकत और किसी की नहीं, तुम सब की है। तुम सब एक साथ अद्भुत हो। शुक्रिया भीम। सिपाहियों जल्दी आओ। क्या आ गया है महाराज? देखो महल में कोई घुसपैठिया आया है। महल में तो कोई नहीं है महाराज, शायद हवा की वजह से चीजें इधर उधर हो गई होंगी, इसीलिए वो आवाज सुनाई दी होगी। खजाने के कमरे की तरफ कोई गया है। महाराज खजाने का कमरा भी खाली है। महाराज हमारे होते हुए यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये कोई मायावी टोली लगती है पिताजी। कल सुबह भीम को महल में बुलाया जाए। ठीक है महाराज। आज का दिन हम यहाँ बिताने वाले हैं। अपनी आंखें खोलो दोस्तों। शेर पहुंचते हैं, चूहे नहीं। दूर से जितना भयानक दिख रहा है उतना होगा नहीं, चलो मजे करें। ये देखो मशहूर टोपी वाले जादूगर गोगा। इसलिए तो मैं वैसी ही टोपी लाया हूँ। तुम दोनों भी छोटे जादूगर लग रहे हो। बड़े जादूगर का वो मशहूर जादू देखने चले। कौन हो तुम लोग? हम जादूगर गोगा का जादू देखने आए थे। मेरे साथ आओ। देखो बच्चों, बलून गया यहाँ से। आखिर बलून मिल ही गया। पसंद आया लकी का जादू? जादू की कसम। कैसा लगा मेरा जादू? बहुत जोर से लगा मेरे भाई। लेकिन ये कौन सी जगह है और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? ये जादू नगरी है। बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। क्या? पीछे देखो। अभी इन्हें भगाता हूँ, जादू की कसम। ये पेड़ तो कार्डबोर्ड के बने हैं। वो पिक्सीज तो पिंग पोंग बॉल से उड़न छू हो गए, तो दोस्तों क्यों ना पिंग पोंग क्रिकेट हो जाए। पहले बैटिंग मेरी। बाहर का रास्ता ढूंढते हैं।
दीदी, तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? ये सैंड क्लॉक है। अगर सैंड क्लॉक की सारी रेत गिरने से पहले हम लोग बाहर नहीं निकले तो हम हमेशा के लिए यहीं अटक जाएंगे। लेकिन हम बाहर निकलेंगे कैसे? हमें उस सैंड क्लॉक के पास जो दरवाजा है उससे निकलना होगा। जल्दी चलो उधर, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो देखो चाबी। जादूगर गोगा का जादू शुरू हो गया है, जल्दी चलो। आज के लिए काफी जादू देख लिया। नहीं, और जादू नहीं चाहिए। प्रणाम महाराज। हाँ भीम, महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई। ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं, बस कुट 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 की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। सुराग है। ये कैसे दानव है? और ये रही वो डरावनी परछाई। वो सुरंग तो रसोई घर में जाती है, ये सारा खाना खा लेंगे। रोको उन्हें भी। शुक्रिया भीम, उन चूहों को मेरे सिपाही जंगल में छोड़ देंगे। महाराज, ये तो हमारा फर्ज था। अब से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माफ करना, वो भाग दौड़ से भूख लग गई। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू।
वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार, किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों मैं अभी आया। नहीं। ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। भीम, राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमार।